नहीं गया आईक्यू लाइटिंग से यार को लेकर। सेठी साहब बताएं सर। तो आज भी दो स्टॉक्स है कैश मार्केट के जिसमें खरीदारी करने की सलाह रही है। जो पहला स्टॉक है, स्टॉक का नाम है आईक्यो लाइटिंग, जो अभी 290 के आसपास ट्रेड कर रहा है। शॉर्ट टर्म टारगेट है इसके 310 के, स्टॉप लॉस रखना है 280 रुपए का। ये भी स्टॉक काफी दिनों बाद रडार पे आया है। एक अच्छी कंपनी है जो ईएमएस सेक्टर को कैटर करने वाली कंपनी है, मेनली एलईडी लाइटिंग, फिर आपके रेफ्रिजरेशन लाइट्स, फिर एबीएस पाइपिंग जो कि ऑल्टरनेटिव है पीवीसी पाइपिंग का, उसको मैन्युफैक्चर करती है। अच्छे स्ट्रांग और एक्सपीरियंस प्रोमोटर्स है, एक हाई मार्जिन बिजनेस है, और जितने ओईएम्स हैं, जितने ये इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके साथ साथ ही काम करती है। अच्छी क्लाइंट लिस्ट है। फिर इनके चार वेल इंटीग्रेटेड प्लांट्स हैं और एक नया प्लांट इन्होंने हाल ही में शुरू किया, तो अच्छा कैपेसिटी एक्सपेंशन किया है, और उसके जरिए ये सोलर पैनल और सोलर सिस्टम्स पे फोकस करने वाला है, जो कि एक हाई ग्रोथ एरिया है। फिर पीएलआई जो स्कीम है उसके लिए भी एलिजिबल है कंपनी। जून क्वार्टर भी स्टेबल था। बाकी जैसे मैं बता रहा था, मार्जिन्स अच्छे हैं, 21-22% के मार्जिन्स हैं। डेट इक्विटी लेवल्स भी बहुत ही कम है, 0.08 का डेट इक्विटी रेशियो है, और एफआईएस डेज भी अराउंड 6% के आसपास ओन करते हैं, जिसमें अच्छे फंड्स हैं, एचडीएफसी है, क्वांट म्यूचुअल फंड है। स्टॉक अपने हाइट से अच्छा खासा करेक्टेड भी है, तो यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है फॉर शॉर्ट टर्म टारगेट ऑफ 310, स्टॉप लॉस ऑफ 280। 310 का टारगेट है, 280 का स्टॉप लॉस है आईक्यो लाइटिंग, और अच्छा खासा स्पाइक आ रहा है इस काउंटर पर, डेज हाई पर स्टॉक ट्रेड भी आपको करते हुए दिख रहा है। यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं, 310 की मूव आएगी।